दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर इंजीनियर और आज हम बनाने जा रहे हैं इस कार्डबोर्ड की मदद से एक कार्डबोर्ड रिमोट जो मोटर को राइट और लिफ्ट दोनों साइड पर रोटेट करवाएगा। चलो चलते हैं वीडियो के जानब। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बोतल का ढक्कन, कुछ इस तरह से मैंने पहले इसमें काफ़ी की मदद से सुराख कर लिए हैं। यहाँ से दो वायर निकलेंगी और यहाँ पर नट कसेंगे, यहाँ पर इस तरह कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम इसमें से वायर को गुजार लेते हैं ढक्कन में से, ये दो छोटे छोटे वायर नहीं हैं, ये लोहे की ब्रेक तार की हैं। सबसे पहले हम इनसे इनमें वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इनको अच्छी तरह यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं और फिर इनको बाद में ढक्कन में फिक्स कर लेंगे। दूसरी वायर को भी इसी तरह से इस पर फिक्स कर लेते हैं। इन वायर्स को हम ढक्कन में से गुजार लेते हैं, जो जिस छोटे छोटे सुराख इनमें से गुजार लेते हैं ऐसे। दूसरी वायर को भी इसमें से गुजार लेते हैं। यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं सुरक्षण टेप की मदद से, ताकि यहाँ पर शॉक सर्किट का खतरा ना हो। और बाहर से हम इस पर ग्लू लगा देते हैं। नट को कार्डबोर्ड पर फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर से इस बोल्ट को कस देते हैं कार्डबोर्ड में। और यहाँ से वायर को उतारने के लिए सुराख कर लेते हैं। एक वायर को उस तरफ से और दूसरे वायर को उस तरफ से उतार लेना है। यहाँ से उतार कर और इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। और बैटरी के वायर्स को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। इनके साथ हम नीचे वायर्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे बैटरी के वायर्स को। ये हम एक कार्डबोर्ड वाली बैटरी ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। जो प्लस वाले निशान वाली तार है उसको दरमियान में फिक्स करना है और जो माइनस वाली है उनको साइड पर, इस साइड पर और उस साइड पर फिक्स करना है। और माइनस वायर्स को दोनों साइड पर फिक्स कर लेते हैं, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। यहाँ पर आपने खास ख्याल रखना है सॉल्यूशन टेप से इसको कवर कर देना है ताकि शॉक सर्किट ना हो। उस तरीके से वायरिंग कर लेनी और इसको ग्लो की मदद से मजबूत कर लेना है। बैटरी को हम डबल टेप की मदद से यहाँ पर चिपका देंगे कुछ इस तरह से।
और हमारा रिमोट तैयार हो चुका है। अब इसको बारी है इसको टेस्ट करने की। अब हम एक लेते हैं मिनी मोटर और उसके साथ एक कैन को लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। पहले हम मोटर को इस पर फिक्स कर लेते हैं। फिर हम फैन को इस पर लगाते हैं, फिक्स कर लेते हैं मोटर, और फिर हम इस वायर को इन वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। इन वायर को, रिमोट वाली वायर को इन मोटर की वायर से अच्छी तरह कनेक्ट कर लेते हैं, जम्मा को जम्मा वाली से और माइनस को माइनस वाली वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है और हम इसको टेस्ट करते हैं क्या ये दोनों तरफ काम करेगा। वाओ, ये तो बढ़िया काम कर रहा है। अब इस तरफ चेक करते हैं, इस तरफ भी काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप इसको बड़ी मोटर 220 वोल्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ सेफ्टी ज़्यादा होगी। ये दोनों साइड लिफ्ट और राइट दोनों साइड पर काम कर रहा है, इधर करें तो लिफ्ट और इधर करें तो राइट साइड पर काम कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।